इस वेले सब तो वध किस चीज़ लई जिहड़ा तुसी रिकमेंड करोगे कि इस फल के जरिए असी अगर करिए तां साडा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सकता है, असी करोना वायरस नाल कंपैरेटिवली ज़्यादा वधिया तरीके नाल जंग लड़ सकते। जिहड़े फ्रूट ने उन्हां दे विच एंटीऑक्सीडेंट बड़ी मात्रा च होंदे ने, जिहड़े कि सैल दे रीजनरेट होण लई बहुत ही सहाई होंदे ने। जे सैल रीजनरेट होणगे तां उह उन्हां दी इम्यूनिटी वधेगी, सैल स्ट्रोंग होणगे तां फाइट करन दे काबल होणगे, तां छेती जंग करोना नाल लड़ सकण, शरीर जिहड़ा लड़ सके। तां इम्यूनिटी सिस्टम नूं मजबूत करन दे लई फ्रूट जिहड़ा सब तो ज़्यादा सहाई है, जिहदे विच मौसमियां ने, कीवी है, जो माहर सानूं दसदे असीं उस तरह का फ्रूट लैके ये सेवावां जिहड़ियां पिछले दिनों तो चल रही ने। जदों असीं सारे रब दे बंदे आ तो फिर साढ़े अंदर इंसानियत होनी चाहिए, सानू भरा भरा बन के एक दूजे के काम आना चाहिए जरूरत जरूरत वेले। ये जे कोई करोना पॉजिटिव आ जाता है साडा भैन भरा, वह कोई करप्ट बंदा नहीं है, वह भी इंसान है, सानू हमदर्दी का प्रगटावा करना चाहिए। सत श्रीकाल जी, हकीकत टीवी पंजाबी देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ कासिफ फारूकी। इन दिनी पंजाब दे विच करोना वायरस की जिहड़ी महामारी है, जैसे कह लईए कि बीमारी है, उसनू लैके बड़िया माड़िया खबर और केस भी लगातार जड़े वधदे जा रहे हैं। अजिहे दे विच करोना वायरस के मरीज़ों दी जरूरतां अते करोना वायरस के मरीज़ों की गिणती है जिहड़ी वह हस्पतालां दे विच वध रही है, उन्हां दी जरूरतां वध रही हैं। अजिहे दे विच अज साडे नाल जिहड़े सीनियर सिख प्रचारक भाई हरजिंदर सिंह माझी मलेरकोटले पहुँचे ने सिविल हस्पताल दे विच, उन्हां ने SMO डॉक्टर जसविंदर सिंह होरां नूं जिहड़ियां किटां दित्तियां हैगियां ने, फ्रूट्स दे किटां दित्तियां ने, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके नाल जिहड़ियां इह फ्रूट ने उह करोना वायरस के मरीजों नूं डॉक्टर साहब तो पुछांगे कि सहायक हुंदे ने, और इस पिछे भाई हरजिंदर सिंह माझी होणा दी की जिहड़ी राय है। माझी साहब, अज तुसीं मलेरकोटले आए हो, बड़ा प्यार है तुहाडा मलेरकोटले नाल, ते की रहा अज दा तुहाडा प्रोग्राम, की सोच है तुसीं फ्रूट दित्ते ने, फ्रूट दे किट्टां वंडियां? जदों करोना वायरस करके लॉकडाउन होया पूरे दुनिया के वड्डे पद्धर ते होया, तां पंजाब दे जिहड़े 6 ज़िले ने, संगरूर, बठिंडा, मानसा, मोगा, फरीदकोट, इस तरह करके बरनाला हो गया, उत्थे साडे दरबारे खालसा वल्लों लोड़वंदां तक रसदां पहुँचाइया जा रही ने लगातार। इहदे नाल नाल हुण जिहड़े करोना दे पेशेंट ने, जिहड़े एकांतवास कीते जांदे लोक ने, उन्हां प्रति असीं वेख रहे हां कि समाज दे विच बहुत नफ़रत फैलाई जाती है। तां असीं इक तां इह बेनती करनी चाहुंदे हां कि जे कोई करोना पॉजिटिव आ जाता है साडा भैन भरा, वह कोई करप्ट बंदा नहीं है, वह भी इंसान है, सानू हमदर्दी का प्रगटावा करना चाहिए, ना कि कोई नफरत करनी चाहिए है जी। तो ये जिहड़ा फ्रूट है, एक तो जिहड़े माहर डॉक्टर ने वो ये गल कह रहे हैं कि जिहड़ा करोना है, जिन्हां दा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हुंदा उहदे उत्ते ज़्यादा नुकसान इहदा हुंदा। तां इम्यूनिटी सिस्टम नूं मजबूत करन दे लई फ्रूट जिहड़ा सब तो ज़्यादा सहाई है, जिहदे विच मौसमियां ने, कीवी है, जो माहर सानूं दसदे असीं उस तरह का फ्रूट लैके ये सेवावां जिहड़ियां पिछले दिनों तो चल रही ने। इसे लड़ी के तहत अज इत्थे मरेकोटले दे विच पहुंचे हैं साडे मुस्लिम वीर, जिहड़े हमेशा ही जदों पंजाब दे विच हड़ आए उस वक्त भी मलेरकोटले की सानू बहुत वड्डी सपोर्ट सीगी, 20-25 पिंड असी दवाइयां दे नाल उत्थे कवर कीते सी, तां उत्थे उस समय जिहड़ा एक बड़ा टेंपू भर के दवाइयां दा लैके आए सी, असी मलेरकोटले दे हमेशा ही कर्जदार हाँ जी, ते इह जिहड़ी सेवा इस ढंग नाल होई है जी। सो साडे नाल सिविल हस्पताल मलेरकोटला दे SMO डॉक्टर जसविंदर सिंह भी ने, उन्हां नाल भी गलबात करदे आं, समझण दी कोशिश करांगे कि घर बैठे लोग जिहड़े ने ਉਹ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੂਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 35 ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ये दसना चाहवागा कि जेडे फ्रूट ने उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट बड़ी मात्रा च होंगे ने, जेडे कि सैल दे रीजनरेट होने लई बहुत ही सहाई होंगे ने। जे सैल रीजनरेट होणगे तां उह उन्हां दी इम्यूनिटी वधेगी, सैल स्ट्रोंग होणगे तां उह फाइट करन दे काबल होणगे, तां छेती जंग करोना नाल लड़ सकण, शरीर जिहड़ा लड़ सकेगा जी। इसे तरह कई फ्रूटां दे विच स्पैशली विटामिन सी वगैरह रिच होंदा, जिद्दां कि आमला हैगा, जां संतरा हैगा, मौसमियां हैगा, नींबू हैगे, उन्हां दे विच बड़ी मात्रा च पाया जांदा विटामिन सी, भी एक एंटीऑक्सीडेंट है,
वो भी बहुत वधिया रोल हैगा इस चीज़ को बचाने के लिए। मैं ये कहांगा फ्रूट्स की सेवा जिहड़ी अज खालसा जी वालों ऑर्गेनाइजेशन वालों की गई है, ये बहुत ही शलाघाजोग है, बहुत ही लाहेवंद होएगी। मरीज़ साढ़े को 35 मरीज़ ने साड़ी उन्होंने नचली रिक्वायरमेंट भी फ्रूट की ज़्यादा हैगी है। होर भी संस्था सानू हर रोज़ बड़े खुले दिल नाल, मैं बहुत ही खुश हाँ इस गल तो भी मैनू किसी ने घाट ही नहीं आने दी इत। अज माझी साहब आए ने लैके बहुत ही मैं तह दिल इन्हों का खुश शुक्रगुजार हाँ भी इन्होंने बड़े ही तनदेही इस सेवा कर अपना मन बनाया तो वो मैं बड़ा खुश हाँ भी ये चीज़ मरीज़ के वाकई वो बहुत ही सहाई सिद्ध होएगी। जी जी डॉक्टर साहब, जो लोग घर बैठे ने आइसक्रीम खा रहे सी, फास्ट फूड खा रहे सी, होर न्यूडल्स खा रहे सी, चाइनीज़ फूड खा रहे सी, तो हुण मैनूं लगता है कि वो लोगों भी जिहड़े साडे इत्थे देसी फल हैगे ने, फल फ्रूट हैगे ने, उन्हां दी अहमियत समझ आ गई होनी है हुण। हाँ जी बिल्कुल सर, अजकल तुसीं जानदे ही हो हुण पेरेंट्स भी इस चीज़ नूं समझ गए ने कि जिहड़ा फास्ट फूड है वो तो पहलां भी तुहानूं पता ही है भी किन्नी वारी तुसीं लेख पढ़े होणगे भी वो थोड़ा नुकसानदेही हुंदा उहदे च, जिहड़ियां फैट्स होंदियां ने कई ट्रांस फैट्स होंदियां ने जिहड़ियां कि नुकसानदेह होंदियां ने, बट जो फ्रूट ने अज नैचुरली अज वो चीज़ा इस करके जो असं एडवाइज़ कर रहे हैं तो लोग इन सुन रहे हैं तो लोग इन चेंज भी कर रहे हैं अपना बिहेवियर, तो वो बहुत चंगी गल है भी वो लोग अपने आप प्रोटैक्ट कर उन्होंने प्रोटैक्ट करने लिए सुसायटी प्रोटैक्ट करने लिए बहुत ही सहाई होएगी। मैं थोड़ा होर भी दस दें एक गल इस थोड़े माध्यम राय भी अज एक बच्चे का बर्थडे है, असी वह केक का इंतजाम किया है तो असी अज इतने बर्थडे मनावे ता कि ये पेशेंट्स ये बच्चों ये साढ़े ही छोटे व्डे भैन भरा बच्चे मातावान ने ता कि इन्हों महसूस ना हो असी किसी हस्पताल बैठे हाँ, असं उन्होंने यही महसूस हो असी अपने घर ही बैठे। जी जी हाँ सो डॉक्टर साहब एक होर चीज़ हैगी है, फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा ने अपनी गल होर पास तुर रही है लेकिन मैं लगता है कि वह ज़्यादा जरूरी है फ्रूट के हवाले आप गल कर रहे हैं, इस वेले सब तो वध किस चीज़ लई जिहड़ा तुसी रिकमेंड करोगे कि इस फल के जरिए असी अगर करिए साडा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सकता है, असी करोना वायरस नाल कंपैरेटिवली ज़्यादा वधिया तरीके नाल जंग लड़ सकते हैं। सर फ्रूट दे विचों मैं जिवें तुहानूं पहले दस्सिया विटामिन सी दा बहुत ही ज़्यादा रोल है, थोड़े लिटरेचर च भी आया पब्लिक नूं भी पता हैगा, विटामिन सी दे रिच आंवला संतरा मौसमी नींबू ये बड़े रिच सोर्स ने ये विटामिन सी दे, बाकी सारे फ्रूटों के एंटीऑक्सीडेंट बड़ी वधिया मात्रा च होंदा है ना, एंटीऑक्सीडेंट इटसैल्फ भी बड़े सपोर्टिव ने सारे फ्रूटों का ही अपने अपने योगदान है, खास करके एक संतरा मौसमी वालों का ज़्यादा योगदान है, जो खाणगे तो वह मेरा ख्याल है भी बहुत ही वधिया तरीके ये फाइट के फाइट कर सकणगे बीमारी नाल। तो सैकंडली मैं होर कहांगा जो डाइट के हाई रिच प्रोटीन डाइट्स जिदा पनीर हो गया, छोले हो गए, दालां हो गई, ये भी ये खाने तो वो भी थोड़ा इम्यून सिस्टम जोड़ी फाइट कर इस बीमारी ना ताकत वधदी है। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब सारी गलबात के लिए, और तुसी अपने इन्ने बिजी शेड्यूल के समा कढ़ लिया इसलिए भी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। सो साडे नाल इत्थे सिख मुस्लिम सांझा फ्रंट के जिहड़े आगू हैगे ने सरप्रस्त हैगे ने डॉक्टर मोहम्मद नसीर साहब भी ने, नसीर साहब अज सिख भाईचारा फिर अगे आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत सौखा है हिंदू या मुसलमान होना पर बहुत औखा है आदमी का इंसान होना। देखो ये जिवें पहला कहा भी संसार च जन्म लैन वाला हर नव जन्म बच्चा इंसान बन के पैदा होंदा है तो उसका धर्म इंसानियत होंदा है, हुण जे किसी जिस विच इंसानियत नहीं वह इंसान नहीं तो जो इंसान नहीं वह धर्म नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों से कहा जा सकता है भी जिहड़ा धर्म का सिलेबस है जिहड़ी उहदी पहली किताब है वह इंसानियत है, तो उस सिख धर्म भी यही दिंदा जी शिक्षा दिंदा है श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रभाती अंग 1349 ते अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, जो असी सारे एक रब के बंदे हाँ तो फिर साढ़े अंदर इंसानियत होनी चाहिए, सानू भरा भरा बन के एक दूजे के काम आना चाहिए जरूरत वेले। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये सन डॉक्टर मोहम्मद नसीर, उन्होंने नाल सन भाई हरजिंदर सिंह माझी, तो असी थानू नालों नाल सिविल हस्पताल के SMO डॉक्टर जसविंदर सिंह होरां नाल भी गलबात सुनवाई है। अज इत्थे भाई हरजिंदर सिंह माझी होने खास करके संगरूर तो पहुँचे ने, करोना वायरस के जिहड़े पेशेंट इत्थे जंग लड़ रहे ने उन्हां दा इम्यून सिस्टम नूं होर ज़्यादा बूस्ट करन दे लई जिहड़े फ्रूट ने फ्रूट दीआं किटां ने उह वंडियां गईआं ने। सो फिलहाल एक इनिशिएटिव मैनूं लगदा है कि पूरे पंजाब दे विच वख-वख संस्थावां नूं होर संस्थावां नूं भी लैणा चाहीदा है ताकि जिहड़ा करोना वायरस के पेशेंटा दे विच जिहड़ा उहनां दा मनोबल है उस नूं होर ज़्यादा वधाया जा सके। कासिफ फारूकी, हकीकत टीवी पंजाबी, मलेरकोटला।